तो गाइस आपने तो स्टार्ट में जो वीडियो देखा हो रहा है जो स्क्रीन पर आप इस तरह की 8K CC वीडियो आप देख रहे हैं, इस तरह की वीडियो आप कैसे क्रिएट करेंगे कैपकट ऐप के ऊपर, जो कि न्यू फीचर के ऊपर आप इस तरह की 8K वीडियो क्रिएट कर सकते हो। तो वो कौन सी न्यू फीचर है जिसकी मदद से आप इस तरह की 8K वीडियो क्रिएट कर सकते हो, तो आज की इस वीडियो में आपको 2024 की न्यू फीचर के ऊपर आप इस तरह की 8K वीडियो क्रिएट कर सकेंगे। तो बस आपने एक छोटा सा काम करना है, इस वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। अगर अभी भी आपके पास कैपकट ऐप नहीं है तो आप इजीली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, या मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो चले गए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ गाइज, आपने इस वीडियो का कोई पार्ट बिल्कुल भी मिस नहीं करना ताकि आपको पूरा तरीका समझ में आ सके। तो चले गए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइज आपने सबसे पहले कैपकट ऐप को डाउनलोड किया और यहाँ पर आपने सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन है तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपने गिल्ड से कोई भी सा सिंपल वीडियो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। और एक बात मैं आपको बताऊँ, अगर आप इंडिया से है तो आपने VPN को लाजमी कनेक्ट करना है क्योंकि इंडिया में कैपकट बैन है। तो गाइज यहाँ पर हम सिंपली एक नॉर्मल वीडियो यहाँ पर सेलेक्ट किया है, यहाँ पर आप खुद भी देख सकते हैं कोई 4K इफेक्ट या कोई HDR इफेक्ट ऐड नहीं है। तो मैं आपकी आंखों के सामने इस तरह का वीडियो क्रिएट करने वाला हूं, तो बस आपने इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है। और यहां पर एंड में जो कैपकट वाटर मार्क है इसको आपने डिलीट करना है और फिर से आपने स्टार्ट में आ जाना है। सबसे पहले जो काम है यहां पर आपने क्या करना है, नीचे आपको इफेक्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा तो आपने इस पर क्लिक करना है। वीडियो इफेक्ट पर क्लिक करके ऊपर आपको ट्रेंडिंग वाला ऑप्शन है तो इसको आपने स्क्रॉल करना है। और यहां पर आपको सबसे लास्ट में आ जाना है, यहाँ पर आपको कार्टून का ऑप्शन दिख रहा होगा तो आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इफेक्ट ओपन हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको एंड तक स्क्रॉल करना है नीचे सबसे लास्ट में, और यहाँ पर आपको नीचे BNW कॉमिक का इफेक्ट है तो मेरा नेट थोड़ा सा स्लो है तो इस इफेक्ट को आपने ऐड करना है, ठीक है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और ऊपर आपने टिक पर क्लिक करना है। तो गाइस इस इफेक्ट को आपने पूरी वीडियो में एडजस्ट करना है। इसके बाद आपने क्या करना है, फिर से आपने इफेक्ट पर क्लिक करके वीडियो इफेक्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने लेफ्ट साइड में इस ऑप्शन को थोड़ा स्क्रॉल करना है। और यहाँ पर आपको लेंस का ऑप्शन दिख रहा होगा तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। और इस इफेक्ट को आपने नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर आपको ब्लर का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और ऊपर आपने टिक पर क्लिक करना है। तो गाइस इस ब्लर इफेक्ट को भी आपने पूरी वीडियो में एडजस्ट करना है। और यहाँ पर आपको ऊपर 1080 का ऑप्शन दिख रहा होगा तो आपने इस पर क्लिक करके नीचे जो टू लाइन इसको आपने एंड तक दोनों को एडजस्ट करना है और इस वीडियो को आपने एक बार एक्सपोर्ट करना है। तो गाइस ये वीडियो जैसे एक्सपोर्ट होगी तो मैं आपको नेक्स्ट मेथड बताऊंगा। तो चले गाइस यहाँ पर हमारे साथ वीडियो एक्सपोर्ट हो चुका है, तो यहाँ से आपने बैक आ जाने और यहाँ पर नीचे आपने जो BNW कॉमिक इफेक्ट अप्लाई किया तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। नीचे आपको रिप्लेस इफेक्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा तो आपने इस पर क्लिक करके यहाँ पर आपने फिर से इस इंटरफेस पर आ जाएंगे। तो इस इफेक्ट को आपने थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको न्यूयॉन का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और ऊपर आपने टिक पर क्लिक करके आपने एक बार फिर से इस वीडियो को एक्सपोर्ट करना है। तो चले गए यहाँ पर हमारे साथ वीडियो एक्सपोर्ट हो चुका है, तो यहाँ से आपने बैक आ जाने और यहाँ पर जो न्यूयॉन का इफेक्ट है तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और नीचे डिलीट का ऑप्शन है तो इसको आपने डिलीट करना है, ठीक है। और नीचे जो ब्लर का इफेक्ट है तो इसको आपने बिल्कुल भी डिलीट नहीं करना। तो एक बार आपने वीडियो क्लियर के ऊपर क्लिक करना है, नीचे आपको एडजस्ट नीचे ऑप्शन को स्क्रॉल करके यहाँ पर आपको एडजस्ट का ऑप्शन दिख रहा है तो आपने एडजस्ट पर क्लिक करना है और इस ऑप्शन को आपने स्क्रॉल करके यहाँ पर जो ग्राफ्स का ऑप्शन है तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से कलर वाला इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले व्हाइट कलर के ऊपर आपने क्लिक करना है और नीचे जो लाइन इसको आपने ऊपर लेके आना है और राइट साइड में जो लाइन इसको आपने नीचे लेके आना है। रेड कलर के ऊपर आपने क्लिक करना है और सेम प्रोसेस है, लेफ्ट वाले लाइन इसको आपने ऊपर लेके आना है और राइट वाले लाइन इसको आपने नीचे लेके आना है। नेक्स्ट आपने ग्रीन कलर के ऊपर क्लिक करना है और सेम प्रोसेस इस लाइन को आपने ऊपर लेके आना है और राइट साइड वाला लाइन इसको आपने नीचे लेके आना है। लास्ट में ब्लू है, इसके ऊपर आपने क्लिक करके सेम प्रोसेस से इसको आपने ऊपर लेके आने और राइट वाले लाइन इसको आपने नीचे लेके आने और ऊपर आपने टिक पर क्लिक करने और यहाँ से आपने बैक आ जाने। तो यहाँ पर आपने एक बार फिर से इस वीडियो को एक्सपोर्ट करने, ठीक है। तो चले गए यहाँ पर हमारे साथ ये भी एक्सपोर्ट हो चुका है, तो यहाँ से आपने बैक आ जाने। नीचे जो ब्लर का इफेक्ट है तो आपने इसके ऊपर क्लिक करने और इस ब्लर इफेक्ट को भी आपने डिलीट करने और आपने वीडियो के लेयर के ऊपर क्लिक करने, नीचे ऑप्शन को स्क्रॉल करके फिर से आपने एडजस्ट में आ जाने और यहाँ पर आपको ग्राफ्स में फिर से आ जाने और लेफ्ट साइड में आपको ऊपर रिसीट का ऑप्शन दिख रहा होगा तो आपने इस पर क्लिक करके ऊपर आपने ओके पर क्लिक करने तो ये इफेक्ट आपकी वीडियो से रिमूव हो जाएगा और यहाँ से आपने बैक आ जाने। और यहाँ पर एडजस्ट में आपको ऊपर शार्पन का इफेक्ट है तो आपने इसके ऊपर क्लिक करके इसका नीचे ड्यूरेशन 100 तक एडजस्ट करने, बैलेंस पर आपने क्लिक करने और इसका ड्यूरेशन आपने 15 रखने और नेक्स्ट आपने सिचुएशन पर क्लिक करने और इसका ड्यूरेशन भी आपने 15% तक यूज करने। और यहाँ पर आपको ऊपर आपको वीडियो क्वालिटी का ऑप्शन दिख रहा होगा तो आपने इस पर क्लिक करने और नीचे जो लाइन इसको आपने एंड तक एडजस्ट करने, इमेज क्वालिटी के नीचे आपने इस लाइन को एडजस्ट करने, ठीक है। और लेफ्ट साइड में ऊपर यहाँ पर लोडिंग स्टार्ट हो चुका है इमेज क्वालिटी का, ठीक है। तो ये
आगे जैसे एडजस्ट होगी तो मैं आपको नेक्स्ट मेथड बताऊंगा कि हमारा वीडियो कैसे 4K में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये लोडिंग स्टार्ट हो चुका है, तब तक हम और काम करेंगे। तो इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे ओवरले का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपने ओवरले पर क्लिक करना है, एड ओवरले पर क्लिक करना है, और आपने जो फर्स्ट वीडियो एक्सपोर्ट किया था BMW कॉमिक वाली, तो उसको आपने यहाँ पर ऐड करना है। ठीक है, जैसे आप इसको ऐड करेंगे तो इसको आपने कुछ स्टेप से स्क्रीन के बराबर जूम आउट करना है अच्छी तरीके से, और नीचे ऑप्शन में आपको ब्लेंड का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपने इस पर क्लिक करना है, और ऊपर ऑप्शन को स्क्रॉल करके आपको सेकंड लास्ट में आपको बर्न का इफेक्ट आपको नजर आ रहा होगा, तो इस पर आपने क्लिक करना है, और नीचे ड्यूरेशन आपने 50% तक यूज करना है, बाद में इसको हम सही तरीके से एडजस्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपने फिर से ओवर एड ओवरले पर क्लिक करना है, और आपने जो न्यू जोन वाली वीडियो एक्सपोर्ट किया उसको आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है। ठीक है, और इसको भी आपने सेम प्रोसेस से स्क्रीन के बराबर जूम आउट करना है, और नीचे ऑप्शन में आपको ब्लेंड का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो फिर से आपने इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको लास्ट में डॉट जी का इफेक्ट है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, और नीचे ड्यूरेशन इसको भी आपने 50% तक यूज करना है, और एक बार फिर से आपने एड ओवरले पर क्लिक करना है, और जो आपने ग्राफ्स वाली वीडियो एक्सपोर्ट किया उसको आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है, इसको भी आपने स्क्रीन के बराबर जूम आउट करना है, और नीचे आपने फिर से बर्न में आ जाना है, और इस ऑप्शन को स्क्रॉल करके सेकंड लास्ट में जो बर्न का इफेक्ट है तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, और इसका ड्यूरेशन आपने 30% तक यूज करना है, और नीचे आपने टिक पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपने जो न्यू जोन वाली वीडियो इसके ऊपर क्लिक करना है, नीचे आपने ब्लेंड में आ जाना है, और ऊपर डॉल्जी का ड्यूरेशन आपने यहाँ पर 100% तक यूज करना है, और नीचे आपने टिक पर क्लिक करना है, और ऊपर आपने जो BMW कॉमिक वाली इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, नीचे आपने ब्लेंड में आ जाना है, और इस बर्न का ड्यूरेशन आपने यहाँ पर 35 तक इसको यूज़ करना है। ठीक है, नीचे ड्यूरेशन 35 तक एडजस्ट करना है, और नीचे आपने टिक पर क्लिक करना है। तो गैस यहाँ पर ऊपर लोडिंग भी कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पर आप वीडियो को देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से ये एडजस्ट हो चुका है। तो इस वीडियो में थोड़ा सा लाइटिंग ज़्यादा है, तो आपने फिर से ओवरले पर क्लिक करना है, नीचे आपको न्यू जोन वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करना है, नीचे आपने ब्लेंड में आ जाना है, और नीचे डॉट जी का ड्यूरेशन आपने 50% तक यूज़ करना है, और यहाँ पर आपने नीचे टिक पर क्लिक करना है। तो गैस यहाँ पर नेक्स्ट आपने क्या करना है, नीचे आपने फिर से ओवरले पर क्लिक करके एड ओवरले पर क्लिक करना है, और ऊपर आपको स्टॉक वीडियो का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपने इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर थर्ड नंबर व्हाइट बैकग्राउंड है, तो इसको आपने ऐड करना है, और इसको आपने अपने फिंगर की मदद से कुछ स्टेप से रोटेट करके स्क्रीन के बराबर जूम आउट करना है, और नीचे आपको ब्लेंड का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपने ब्लेंड में आ जाना है, और यहाँ पर ओवरले का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपने ओवरले के ऊपर क्लिक करके नीचे ड्यूरेशन आपने 50% तक यूज करना है, तो नीचे आपने टिक पर क्लिक करना है। तो गैस नीचे ऑप्शन में आपको डुप्लीकेट का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो इसको आपने यहाँ पर डुप्लीकेट करना है, और डुप्लीकेट वाला लेयर आ चुका है, तो इसको आपने कुछ स्टेप से क्रॉप करना है। ठीक है, और इस व्हाइट बैकग्राउंड के थोड़ा आगे इसको भी एडजस्ट करना है। ठीक है, तो गैस मैं इस वीडियो को एक बार एक्सपोर्ट करता हूँ, मैं आपको नॉर्मल वीडियो भी दिखाऊंगा गैलरी वाली, और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि कैसे फर्क आ चुका है 4K वीडियो में। ठीक है, तो चलो गाइस ये एडजस्ट हो चुका है, तो मैं यहाँ पर उसको थोड़ा देर के लिए प्ले करता हूँ, यहाँ पर आप इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिंपली यहाँ से बैक आ जाता हूँ। ठीक है, और नीचे मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो को देख सकते हैं, नॉर्मल वाली वीडियो है। ठीक है, और इसको आपने देख लिया, और यहाँ पर मैं बैक आ जाता हूँ, और यहाँ पर जो हमने एडिट किया है इसको भी आप देख सकते हो कितने अच्छी तरीके से ये 4K में कन्वर्ट हो चुका है, आप खुद भी देख सकते हो। ठीक है, तो गैस आप कुछ स्टेप से अपनी वीडियो को 8K में कन्वर्ट कर सकते हो, जो कि मैंने आपको बिल्कुल सिंपल स्टेप के साथ आपको बताया। तो गैस अगर वीडियो अभी तक आप देख रहे हो तो लाजमी बात है आपको मेरी वीडियो पसंद है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने जरूर सब्सक्राइब करना है।